गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, हम लोगों ने आपको बहुत सारी रिमोट कंट्रोल चीजें दिखाई है। हमने आपको रिमोट कंट्रोल कार्स दिखाई हैं, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स दिखाए हैं, रिमोट कंट्रोल हमने आपको एम्फीबियन टॉयज भी दिखाए हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं रिमोट कंट्रोल स्नेक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सांप जो कि चलता है एक रिमोट कंट्रोल से। जी हाँ दोस्तों, और वो है सिंपली यहाँ पर। गाइस, इस डब्बे में एक ऐसा सांप है जो कि रिमोट से चलता है। और आप लोग सोचो कि कितना कमाल का हो सकता है एक ऐसा सांप जो रिमोट से कंट्रोल्ड हो। नकली सांप है, मतलब जहर वाला नहीं है, नॉर्मल सांप है, और वो रिमोट से चलेगा तो कितने लोगों को हम पागल बना सकते हैं, उससे कितना मजा ले सकते हैं, और वो चलते टाइम कैसा लगेगा। तो गाइस, इसी की हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग आज द इंडियन अनबॉक्सर के ऊपर। आज की वीडियो का टारगेट रख रहे हैं गाइस 2.5 लाख लाइक्स का। नीचे जो लाइक का बटन है जल्दी से उसको ठोक दीजिए। हम फटाफट से इस सांप की, कोबरा दिख रहा है मेरे को यार, खतरनाक, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी कंपनी जैसे गूगल के, एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इवन हम ऊबर का भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन कंपनीज के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका यूज करके आप ये चीजें कर सकते हैं, जिसका नाम है capital.com। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का यूज आप अपने फोन में या फिर अपने पीसी के ब्राउजर में कर सकते हैं। और यहां पर आप बहुत सारे इंडाइसिस के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर आप गूगल और फेसबुक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, capital.com को यूज करने के काफी सारे फायदे भी हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यहां पर आपको 0% कमीशन फीस लगती है, कोई भी किसी तरीके का हिडन चार्जेस नहीं है, और आपको सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स भी यहां पर मिल जाएंगे। इसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो भी काफी बढ़िया है। और भाई, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको $50 का बोनस भी मिलेगा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करेंगे, वहां से अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। और जैसे ही आप अपना फर्स्ट डिपॉजिट टॉपअप करेंगे, आपको $50 भी मिल सकते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है capital.com का, फटाफट से चेकआउट कर लीजिए और अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट कीजिए, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल स्नेक है हैमलेस का। और अगर बात करें इसके बॉक्स की, तो एक बड़ा सा इन्होंने कोबरा बना रखा है जो कि काफी रंग बिरंगा है। अंदर भी यार ब्लू कलर का हुआ तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, हालांकि देखिए वैसे काफ़ी असली सा रहा है, देखो इसकी शेप के हिसाब से, पर इसका कलर जो ब्लू है वो थोड़ा सा अजीब है। वैसे ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल कोबरा, ठीक है। और इस पे नीचे लिखा हुआ है स्लाइटरिंग फन विद दिस लाइफ लाइक स्नेक एंड एग कंट्रोलर। गाइस, मैं इसको अच्छे से पढ़ क्यों नहीं पा रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर रियलिस्टिक एंड फास्ट मूविंग रिट्रैक्टेबल टंग एंड स्वाइंग टेल है। गाइस, इसका मतलब इसकी जो जीभ है वो अंदर बाहर हो सकती है, और इसकी जो पूंछ है वो ऐसे 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 हिल सकती है। और एग शेप इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, इसका जो रिमोट है वो एग की शेप में है, चार्जिंग होता है, ये भी लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ भी गाइस काफ़ी चीज़ लिखी है, पीछे कोबरा बना हुआ है, और आई थिंक ये इसका रिमोट है। जैसा इस पर लिखा है एग शेप्ड रिमोट, ये है, और कुछ तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और गाइज, ये पड़ा है मेरे को लगभग 2000 रुपये का, तो इसको खोलते हैं और अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसके ऊपर कुछ लगा हुआ ही नहीं था टेप वगैरह, तो आज इसका कोई काम नहीं आया, ठीक है। गाइज, अनबॉक्सिंग होने वाली है रिमोट कंट्रोल कोबरा की आपके सामने। यहाँ पर है कोबरा। और गाइज यार, ओ हो, ये देखो गाइज, ये है रिमोट कंट्रोल्ड स्नेक। और यार एक बात सच्ची सच्ची बताओ, इसका ये मुंह और इसका शेप देखने पे लग नहीं रहा कि ये असली जैसा है। ये देखो भाई साहब, बस इसकी लंबाई थोड़ी सी इतनी और होती ना, इसकी लंबाई मतलब यहाँ तक होती, अरे रुक जा, यहाँ तक होती तो ये नॉर्मल लगता। और देखो इसका जो पीछे का पार्ट है वो किस तरीके से मूव कर पाता है। मैं इसको सांप की शेप में भी ला सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। देखो गाइस, ये जो है प्रॉपर सांप की शेप में है, और इसके नीचे टायर्स हैं, ये टायर्स हैं, और पीछे छोटे 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 जैसे ट्रेन में होते हैं, ये इंजन की तरह, और पीछे छोटे छोटे टायर्स हैं। और यहाँ पर कुछ चिपका हुआ है गाइस, जैसा किसी सांप के ऊपर आपने आज तक नहीं देखा होगा। और नीचे भी कुछ स्टिकरिंग है इस पर, डोंट टर्न द व्हील्स व्हेन इट इज स्टिल। इसका मतलब क्या है भाई, जब ये स्टिल है तो पहियों को मत घुमाओ। स्टिल होगा तो पहिए कैसे घूमेंगे भाई।
इसको रखते हैं बॉक्स में, और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना मस्त था कि इसी में खो गए हम लोग। इसको यार अभी इसमें ही रखते हैं, इसमें मस्त दिख रहा है गाइज यहाँ पर। अरे यार ये मस्त है, ये है इसका रिमोट कंट्रोल, जो कि है एग शेप्ड रिमोट कंट्रोल। इन्होंने सांप का एक अंडा बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बना दिया है मुर्गी का अंडा, और ऊपर उसके जो है कुछ डिज़ाइंस भी तगड़ा बना रखा है। बटन से लेफ्ट राइट के बटन है, और आई थिंक ये आगे चलने का बटन है, और ये तो लाइट है, और ABC तीन मोड यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको भी चेक करेंगे। और इसके अंदर गाइज ये तीन बटन सेल डलते हैं, ये देखो हाँ यहाँ पर इसका काम गाइज आ गया, ये काम आ गया। यहाँ पर ये टेप लगी हुई है, ठीक है, और इसमें ये तीन सेल हैं, तीन बटन सेल हैं, क्योंकि इसके अंदर डलेंगे, मेरे को स्क्रू ड्राइवर देना, और साथ में एक इसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल है जो कि सांप में घुसेगी कहीं ना कहीं, इसमें ये लग जाएगा, और इसको अपन नॉर्मली अपने चार्जर में लगा करके चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, इसको दो मिनट के लिए फटाफट से चार्ज में लगा दो, मैं तब तक रिमोट में ये बैटरीज डाल लेता हूँ। दोस्तों बैटरी को 10 मिनट चार्ज हो चुके हैं, और अब इसमें शायद इतनी पावर हो गई होगी कि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑन ऑफ का स्विच है, इसको करते हैं ऑन, और कंट्रोलर के अंदर भी मैं जो है बैटरी डाल चुका हूँ, और लाइट जल गई गाइज, ये देखो इसके मुंह के अंदर LED जलती है देखो, और ये ब्लिंक भी कर रही थी, नहीं अभी हाँ कभी जल रही है कभी बुझ रही है, लेकिन यार गाइज ये गलत है यार, इसके मुंह में लाइट नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि इससे ये नकली लगने लगेगा किसी को डराने के लिए, लेकिन ठीक है जब किसी को सांप दिखेगा तो वैसे भी वो जो है इतना ध्यान देगा नहीं मेरे हिसाब से। ये ऊपर है आई थिंक ये इसके सेंसर मतलब रिसीवर के लिए है, और अब जो रिमोट है मैं उसका बटन दबा करके इसको स्टार्ट करता हूँ। अरे 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 ओहो गाइस, मैंने लेफ्ट का बटन दबाया था ये, और देखो ओ फिर से दबा रहा हूँ गाइस, ओए ओए कैसे भागता है, ओ तेरी है, ये यहीं पे घूम रहा है। एक तो ये ऑप्शन है इसमें, एक राइट का ऑप्शन है, अच्छा इसको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। अरे वाह ओए 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 ओए, यहाँ तो घूम रहा है, और बीच में एक तीसरा बटन यहाँ पर हो रहा है, देखो इसको दबाता हूँ तो क्या होता है, इसमें ऐसे 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 है, इसका मतलब ये शायद सीधा चलेगा, देखें। अरे वाह ओए 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 गाइस वाओ, अरे यार इसको तो नीचे चलाना पड़ेगा, बंद करो बंद करो। तो भाई इसको जो है मैं खुली जगह पर रख रहा हूँ, और अब इसको चलाते हैं, रिमोट शायद इतना दूर से काम कर जाएगा। राइट वाला दबाते हैं, नहीं किया काम, एक सेकेंड हाँ ऐसे करेगा, हाँ अब ठीक है भाई सब ठीक है, इसकी डायरेक्शन उधर रखनी पड़ती है, और देखो ओ भाई ऐसे ऐसे घूम रहा है, अगर मैं दूसरी साइड का बटन दबाता हूँ तो ये उल्टा घूम रहा है, क्या बात है गाइस, छोटा सा सांप है और पूरा कोबरा फन उठा करके चल रहा है, और इसको दबाता हूँ ना ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, देखना ये मैंने दबाया, और देखना ये देखो वाओ, और हम इसकी डायरेक्शन भी शायद चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं कैमरा की तरफ करता हूँ आपकी तरफ इसको, यार गाइज मस्त चीज़ है ये वाह देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये एक रिमोट कंट्रोल्ड स्नेक चल रहा है आप लोगों के सामने, और भाई साहब किसी को डराने के लिए तो यार गाइज मेरे हिसाब से ये जो है ना काफ़ी है, डराने के लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी है देखो, क्योंकि हम दूर से इसको किसी के भी पास भेज सकते हैं, और ये चलते टाइम देखो पूरा ऐसे हिल हिल के चलता है जैसे कि असली सांप चलता है, और हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, क्या बात है। अब इसको रोक लेते हैं, सांप को कुछ ऐसे पकड़ते हैं गाइस, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये टायर्स हैं बेसिकली जो कि इसमें घूम रहे हैं, और अब ये जो है बंद हो चुका है। यार इसकी जीभ भी निकलती थी ऐसा ये इन्होंने लिखा तो था कि जीभ आगे पीछे होती है, लेकिन कैसे होती है, अरे हो रही है हो रही है हो रही है, देखो इधर आओ पास में आओ, देखो गाइस ये देखो समझ में आ रहा है,
देखो भाई जो जीभ है उसमें दो टेंटिकल्स हैं आगे और ये जो है अंदर बाहर हो रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया चलते टाइम पे, लेकिन ये हो रही है डेफिनेटली। यहाँ पर जो इसकी टंग है वो अंदर बाहर हो रही है। ओहो, और मुंह देखो कैसे खुला हुआ है भाई साहब। अरे कैसे चल रहा है ये? अच्छा ओके, अब मैं समझ गया गाइस, यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। जब हम इसको घुमाते हैं ना तो इसमें बस दो ही टायर्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो टायर्स हैं नीचे। और जब हम घुमाते हैं तो एक टायर तेज चलता है, दूसरा टायर स्लो चलता है। तो मान लो ये ऐसे इसको घूमना है तो ये वाला टायर ज़्यादा घूमेगा जिससे ये ऐसे टर्न मार देगा, दूसरी साइड घूमना तो दूसरा वाला तेज़ घूमेगा, दोनों में से ही। और जब ये ऐसे ऐसे चलता है तो एक बार ये तेज़ घूमता है, फिर ये तेज़ होता है, फिर ये तेज़ होता है, फिर ये तेज़ होता है, यानी कि एक स्लो होगा दूसरा तेज होगा, फिर एक स्लो होगा फिर दूसरा तेज होगा। उसकी वजह से ये ऐसे 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 से मोशन करता है, कितना इंटेलिजेंट तरीके से इन्होंने बनाया हुआ। देखो अगर पास आना एक बार, ये देखो इसमें जो है देख करके समझ में आ रहा है मुझे कि कभी ये तेज़ हो रहा है कभी ये तेज हो रहा है, और इस वजह से जो सांप है वो ऐसे ऐसे मोशन करता है, देखो वहीं पर हिलते हिलते चलता है। और मुझे लगता है इसकी बैटरी भी जो है इतना अच्छे से चार्ज नहीं हो पाई है, इसीलिए इतना धीरे चलता है। और इसको जब भी उठाते हैं ना ऐसा लग रहा है कि कोई असली सांप को मैं पकड़ रहा हूँ ऐसे करके। तो इसको बंद करते हैं गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ नई चीज़ देखी होगी, ऐसा स्नेक जो कि रिमोट कंट्रोल जो है। यार बारिश भी आने को हो रही है यहाँ पे। ठीक है तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। अगर आपको मज़ा आया वीडियो के लिए तो लाइक ज़रूर से कर देना, नहीं अगर आपको मजा आया तो वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।